असल आज बरोज आरएफआई बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी पहले पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बनाए गए जे एफ सेवनटीन सी लड़ाका का तैयारे आजरबाईजान फजाइया बेड़े में शामिल आजरबाईजान के सदर ने पाकिस्तानी फौज के हमरा तैयारों की महारत का मुशाहिदा किया आई एम एफ की जानब से सात अरब डॉलर कर्ज में से एक अशारिया एक अरब डॉलर फौरी जारी करने की मंजूरी वजीर शहबाज शरीफ का इजहार उत्मनान शुमाली वजीरस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आठ हॉटी हलाक ऑपरेशन में इसलह धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद भारतीय मुसलमानों के डेढ़ लाख घर मसमार सात लाख से ज्यादा मुसलमान बेघर भारत में कायम इंसानी हुकूक के इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी चीन का बैन अलबर आजमी बेलिस्टिक मिजाइल तजर्बा पेशगी इतला नहीं दी गई जापान के तहफा किसी मुल्क को हदफ बनाना मकसद नहीं था चीनी वजीर दिफा ने बात वाजह कर दी वर्ल्ड सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के अस्ज इकबाल को भारतीय हरीफ के हाथों शिकस्त एयरलाइंस आपने मुलाहिजा की चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानब पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बनाए गए जे एफ सेवनटीन सी ब्लॉक थ्री लड़ाका तैयारे अजरबैजान की फजाइया के बेड़े में शामिल कर लिए गए रूसी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आज़रबाइजान की वजारत दिफा ने पाकिस्तान की जानब से फराम करदा जे एफ सैवनटीन सी जंगी तैयारे आजरबाइजान की फजाइ के बेड़े में शामिल करने का ऐलान किया है आजरबाइजान के सदर इलहाम अली ऑफ ने बाकू में हैदर अली ऑफ एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी फौजी हुक्म के हमर जे एफ सैवनटीन सी लड़ाका तैयारे की महारत का मुशाह किया जे एफ सैवनटीन सी लड़ाका तैयारे पाकिस्तान एयरोनाटिकल कॉम्पलेक्स और चेंगडू एयरक्राफ्ट के से बनाए गए हैं आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए सात अरब डॉलर्स के बेल आउट की मंजूरी दे दी पहली किस्त तीस सितम्बर तक मिलने का इम्कान है आई की एम डी क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जिसमें पाकिस्तान का एजेंडा सरे फहरिस्त था पाकिस्तान को 30 सितंबर तक पहली किस्त मिलने का इम्कान है कर्ज प्रोग्राम मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी रवा माली साल ही जारी की जाएगी आईएमएफ का कर्ज पांच फीसद शराब सूद से कम पर मिलेगा गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि पाकिस्तान को एक अरब या एक अरब दस करोड़ डॉलर तक की पहली किस्त मिलेगी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आई की तमाम शराय पूरी कर दी है वजीर अजम शहबाज शरीफ ने सात अरब डॉलर के आई एम एफ पैकेज की मंजूरी पर इतमान का इजहार किया उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजलो से मुआशी असलाहत का नफाज तेज़ी से जारी है मुआशी इस्तेकाम के बाद बादशी तरक्की के अहदाफ केसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे वजीर अजम ने आई एम एफ पैकेज पर मुआवनत करने वाले दोस्त ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब चीन और मतहद अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया शुमाली वजीरस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान आठ दहशत को हलाक कर दिया आई एस पी आर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने पच्चीस और छब्बीस सितम्बर की दरमियानी शब खारजी दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर शुमाली वजीस्तान के इलाके रस्मिक में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ जिसके नतीजे में आठ ख्वारज हलाक हो गए मारे गए दहशत गर्दों से असलह भी बरामद हुआ जबकि हलाक खारिज मासूम शहरी के कत्ल और मुल्क भर में दहशत गर्द कार्रवाई में मुलवस्त है तर्जमान पाक फौज ने मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्स दशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराजम हैं, जबकि इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है सिंध के जिला खैरपुर में गैस के बड़े जखायर दरियाफ्त हुए हैं सावन साउथ ब्लॉक के अखेड़ो वन कुएँ ऐसी कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है जहां से योमिया एक करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक फिट गैस हासिल होगी कुआ में गैस का प्रेशर चार हजार पाउंड स्क्वायर इंच है कुआँ यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान ओडी और विफाकी और सिंध हुकूमत की मुश्तरक मल्कत है नई दरियाफ से मुल्की गैस के ज़खायर में इजाफा होगा लबनान में जारी कशीदगी के पेश नज़र पाकिस्तान ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि लबनान में जारी हमलों के सबब पाकिस्तानी शहरी लबनान का सफर न करें लबनान में रिहाइश पसी पाकिस्तानी दस्याब कमर्शल प्रवासों के ज़रिए मुल्क छोड़ दें जो शहरी कुछ वजूहत की बिना पर लबनान छोड़ने सेसिर हैं वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाए जारी बयान में लबनान में मौजूद पाकिस्तानियों से अपील की गई है कि वह बैरूत में पाकिस्तानी सिफारत खाना से बदस्तर रबते में रहें बीजेपी की जालिम हुकूमत ने भारत में रहने वाले डेढ़ लाख से ज्यादा मुसलमानों के घर मसमार कर दिए भारत में कायम इंसानी हकूक के इदारे हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गुजतः चंद सालों में मोदी हुकूमत की ज़ालमाना बिलडोजर मुहिम के दौरान मुसलमानों के डेढ़ लाख से जायद मकाना को मसमार कर दिया गया है जिससे तकरीबन आठ लाख अफराद बेघर हो गए हैं कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत की सुप्रीम कोर्ट यकम अक्टूबर को इस सिलसिले में मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाप्त करेगी इंसानी हकूक के अलम बर्दारों और मुता कम्यूनिटीज़ को उम्मीद है कि इस जालमाना अमल पर पाबंदी लगाई जाएगी मुंबई की, की, की तरफ मार्च कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस ऐसी इतिहादिन के रहन इम्तियाजी बारह हजार ऐसी मुसलमानों के हमरा मुंबई की तरफ मार्च कर रहे हैं इस्लामो फोबिया के खिलाफ भारतीय मुसलमान सरापा एहतजाज हैं मुजाहरीन का मुतालबा है कि बीजेपी के एम एल ए नतीश राने और रामगिरी महाराज के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करने पर कार्रवाई की जाए गुजत माह बीजेपी के इन दो रहनुमाओं ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की जिसमें मुसलमानों को जान से मारने की धमकी भी दी गई भारत में अकलीतें बिलखसूस मुसलमान इंतहा पसंद हिंदुओं के इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ शरंगेजी और मजहबी इंतहा पसंदी में गैर मामूली इजाफा हो रहा है चीन का बैनबर आजमी बैलिस्टिक मिसाइल का पहला तजर्बा कामयाब हो गया चीन ने पहली बार अवमी तौर पर तस्लीम किया है कि चीन ने गुजश्तर रोज बहरुल काहिल में एक बैन अलबर बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया जापान ने चीन की अस्करी तैयारियों पर संगीन तश्वीश का इजहार करते हुए कहा कि उसे की इतला नहीं दी गई थी चीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी का कहना है कि मुतल ममालिक को की मुतला कर दिया गया था चीन की वजारत दिफा ने कहा कि बैलिस्टिक मेजाइल का तजर्बा इसके सालाना तरबती मनसूबे के मामूल का हिस्सा है और इसमें किसी मुल्क को निशाना नहीं बनाया गया चीन के पास पाँच सौ ऐसी ऑपरेशनल न्यूक्लियर वार हेड्स हैं दो हजार तीस तक मुमकिन तौर पर इनकी तादाद एक हज़ार ऐसी ज्यादा हो जाएगी जबकि अमरीका और रूस के पास सत्रह सौ ऐसी ज्यादा वार हेड्स मौजूद हैं

पाकिस्तान के अस्जद इकबाल वर्ल्ड सिक्स रेड स्नूकर चैम्पियनशिप में चांदी का तमगा और मंगोलिया स्नूकर वर्ल्ड कप में कांसी का तमगा हासिल कर चुके हैं इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा हमें दीजिए इजाजत अल्लाह ने